हेलो एवरीवन दिस इज स्वाति वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया यूनिट फ्राम आ बुक ऑक्सफर्ड फॉर क्लास एट और जो हमारी ये जो बुक है इसमें हम ऑलरेडी फोर यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं दिस इज द फिफ्थ यूनिट ये सेक्शन ए है फिफ्थ यूनिट का एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द डायमंड मेकर विच हैज बीन रिटन बाई एच जी विल्स ना दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज इसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने डायमंड्स बनाए हैं लेकिन ही इज़ नॉट एबल टू एंड ही इज इन द वर्स्ट ऑफ द लाइक जो लाइफ जो एकदम मिजरेबल हो जाती है वो एक बहुत ही मिजरेबल लाइफ जी रहा है जबकि उसके पास लाइक like, क्रोल्स के डायमंड्स हैं उसके बाद भी उसकी लाइफ बहुत मिजरेबल है तो ऐसा क्यों है क्या है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ना एच जी वेल्स ही ऑलवेज राइट स्टोरीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि जब वो खत्म हो जाती है स्टिल यू वॉन्ट टू नो मोर क्योंकि इसमें कुछ सस्पेंस एलिमेंट होता है इसमें बहुत सारे जो है फैक्ट्स होते हैं एंड ही राइट्स अ लॉट ऑफ साइंस फिक्शन जैसे ये वाली स्टोरी आप पढ़ोगे इस स्टोरी में भी साइंस फिक्शन बहुत साइंस फिक्शन पे ही एक जॉनरा है इसका मतलब ये जो स्टोरी है इसमें साइंस के फैक्ट्स को और फिक्शन को मिला के एक स्टोरी तैयार की so i'm sure that you are going to love it so let's start this video where we'll first understand read something about our author h.g wells and then we will jump to our story so let's start herbert george wells was an english फॉर टेल्स ऑफ साइंस फिक्शन तो ये एक इंग्लिश नावलिस्ट हैं जो कि अपने साइंस फिक्शन नॉवल्स के लिए जानने जाते हैं मेनी ऑफ दिस बुक्स हैज़ बीन मेड इन टू फिल्म इनकी काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज uh, हैं जो इतनी इंटरेस्टिंग है कि उसको मूवीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है हिस्स बेस्ट नोन वर्कस आर द टाइम मशीन द इनविजल मैन एंड द वॉल ऑफ द वर्ल्ड्स तो जो इनके बेस्ट नॉवेल्स हैं वो ये तीन नॉवेल्स हैं टाइम मशीन द इनविजिबल मैन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स तो अब जो हम स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं इसमें जो हमारे नरेटर हैं नरेटर इज एच जी विल्स सो so हमारा जो नरेटर है ही इज अ वेरी सिंपल पर्सन लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ एंड देन ही मीट सम डायमंड मेकर बट क्या होता है एग्जैक्टली हाउ डज ही बिकम अ डायमंड मेकर इज ही लाइक अ फ्रॉड और इज हीज रियली

और यहाँ पे एक पूरे दिन भर के थकान भरे दिन के काम के बाद आई हैड अ लिटिल हेडक मेरा थोड़ा सा सर दर्द दे रहा था एंड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द इन एंटरटेनमेंट और एनी मोर वर्क ना मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे को पार्टी करने का भी मन नहीं था मुझे कोई एंटरटेनमेंट मुझे म्यूजिक सुनने का मन नहीं था आई डिड नॉट वॉन्ट टू डांस या मुझे काम भी नहीं करना था आई वॉज ओनली टायर्ड एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई मूव अवे फ्रॉम द नॉइज एंड गो डाउन टू द एम्बैंकमेंट सो आई फाइनली वट डिड ही मुझे यहाँ रहना ही नहीं है आई जस्ट वॉन्ट सम सॉलीट जहाँ पर थोड़ा पीस हो काम हो मुझे शोर शताबी से दूर जाना है एंड वेयर डिड ही गो ही वेंट टू द एम्बैंकमेंट एम्बैकमेंट मीन्स जो सेंट्रल लंडन में जहाँ पे सेंट्रल लंदन में जो थेम्स रिवर है उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है उसके अक्रॉस जो स्ट्रीट है उसको आप कहते हो एम्बैंकमेंट एंड रिस्ट माई आईज एंड कूल माई हेड बाई व मल्टी कलर लाइट अपॉन द रिवर अब उस रिवर पे देर वॉज अ लाइट शो वहाँ बहुत सारी ब्यूटिफुल लाइट चलती हैं और अदरवाइज भी आपको वहां से पूरी सिटी दिखती है सो so, सिटी में वेन यू आर लाइक एट नाइट नाइन ओ क्लॉक अगर आप किसी भी ब्रिज पे जाओगे जहाँ से सिटी दिखता है सो इट फील्स लाइक यू नो सो मेनी

अब ये इधर से वन कूड सी वॉट और ये कौन सा ब्रिज है द नेम ऑफ द ब्रिज इज वॉटर लू ब्रिज वॉटर लू ब्रिज सो वन कैन वॉच डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट एज वेल एज द टार्स ऑफ वेस्टमिंस्टर सो वेस्टमिस्टर जो वहां पे जो प्लेस है उसका नाम वेस्टमिस्टर है तो यहाँ से वंस यू आर स्टैंडिंग सपोज यू आर स्टैंडिंग हेयर सो यू कैन वॉच एवरी थिंग आप यहाँ पे इस वाटरलू ब्रिज जो है जैसे इसके बगल में जो स्ट्रीट है जहां एम्बैंकमेंट में ही स्टैंडिंग सो यहाँ से इस आग से वो बहुत सारी मल्टी कलर लाइट्स देख सकता है सिटी देख सकता है एंड ही वॉज जस्ट द व्यू अ अ नाइट वॉइस एट साइट तो मेरे बगल में अचानक से कोई आया उसने कहा काफी जो है वॉर्म सी नाइट है I turned my head and saw the side of a man who was leaning over the parapet beside me. So अब जैसे ब्रिज होता है तो ब्रिज का जो बॉर्डर होता है सो so, वहाँ पे जो एज होता है ब्रिज का तो वहाँ पे उसे पैरापेट कहते हैं उस पर वो इस तरीके से टिक के खड़ा हुआ था एंड डिड ही से तो जब मैंने अपना सर घुमाया कि मुझसे किसी ने बात करी तो जब मैंने सर घुमाया मैंने क्या देखा एक आदमी है जो उसके पैरापेट पे टिक के खड़ा हुआ है

I looked at him curiously. Would he have anything to tell me? He looked intelligent. तो मैंने उनको बहुत curiously देखा मैंने सोचा क्या इनके पास मेरे लिए कुछ है बताने के लिए क्योंकि ये देखने में तो काफ़ी intelligent लग रहे हैं Very warm, said I, but not too warm for us here. तो उसने क्या कहा कि हाँ आज काफ़ी warm night है लेकिन बहुत ज़्यादा warm भी नहीं है Now he said, still looking across the water. It is pleasant enough here, just now. उसने क्या कहा नहीं लेकिन उसने अभी भी एंड ही वॉज नॉट लुकिंग एट द नरेटर वो अभी भी जो है वाटर को ही देख रहा है जो वहाँ पे वो लोग जो उस एम्बैंकमेंट में खड़े हैं स्ट्रीट पे और वो पैरापेट पे जो ब्रिज के जो एच पे जहाँ पे वो लोग खड़े हुए हैं वहाँ से वो पूरा पानी को ही देख रहा है उसने बोला हाँ लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे इट इज़ वेरी प्लेजेंट मतलब यहाँ बहुत शांति है यहाँ बहुत सुकून है जस्ट नाउ इट इज़ गुड ही कंटिन्यूड आफ्टर अ पॉज to find anything so relaxing as this in London after one has been worrying about business all day usne bola ha ye bahut acha hai now he took a pause और उसने खुद ही ने बात start की उसने क्या कहा हाँ ये बहुत अच्छा है इतना रिलैक्सिंग लंडन जैसी सिटी में जहां पे पे इतनी पीसफुल जगह पाना यहाँ खड़े होना वर्क के कारण जो हो यू आर लोडेड तो दिस इज वेरी प्लेजेंट अब उसने क्या बोला इससे क्या समझ में आता है वेरी बिजी मैन एंड ही हैज बीन वरिंग अबाउट बिजनेस ऑल डे ही इज सपोज टू बी रिच राइट मुझे नहीं समझ में आता कि अगर यू you नो know, आपकी सिटी में ऐसे कुछ मतलब क्या होता है पीसफुल सुदम रिलैक्स करने वाले ऐसे आपकी सिटी में कॉर्नर्स नहीं हो तो लोग क्या करेंगे सो ही सेट की मैं भी जो हूँ बहुत दिन भर से थका हुआ हूँ इतने ज्यादा बड़े बड़े बिजनेस की डील्स करके कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे दिस इज वॉट ही मेंट टू से He spoke with long pauses between the sentences. अब अपने sentences में वो बड़े लंबे लंबे pause लेते हैं जैसे I think this is so peaceful. So इस तरीके के बहुत लंबे लंबे pauses ले रहे थे वो Sometimes I doubt if it is of any importance. कभी कभी मैं doubt करता हूँ कि ये जो business है इतना ज़्यादा काम है क्या इसकी कोई भी importance है I feel like throwing away everything. मेरा मन करता है कि सब छोड़ छाड़ दूँ मैं Name. काम अपनी पोजिशन अपनी इज्जत ये सब छोड़ के मैं कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दू ना वट डू यू थिंक दिस पर्सन हैज बी रियली रिच राइट ही बिकेम साइलेंट आई लुक डैट इन एस्टोनिशमेंट वो तो चुप हो गए जो नरेटर थे वो उसको एकदम सरप्राइज होके देखने लग गए शॉक होके देखने लग गए इफ एवर आई सॉ अ मैन होपलेसली पुअर इट वॉज द मैन इन फ्रंट ऑफ मी उसने बोला अगर मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा कोई भी गरीब इंसान देखा है जो कि महा गरीब है तो वो यही था ही वॉज रैग्ड रैग्ड का मतलब क्या होता है जो पूरे जो है फटे पुराने कपड़े जैसे आपने जैसे एक कपड़े पहने हैं आपने जो एकदम ही कहीं से फट रहे हैं बहुत ही ज्यादा पुराने हैं सो ही वॉज रैग्ड एंड ही वॉज डर्टी मतलब वो एकदम उनके कपड़े बहुत खराब हो रहे थे वो काफी ज्यादा एकदम डर्टी से दिख रहे थे अनशेवन उन्होंने शेव नहीं किया था एंड अनकैम्प अनकैम्प्ट का मतलब क्या होता है बहुत ही ज्यादा अनटाइडी से दिख रहे थे वो एज दो ही हैड बीन लेफ्ट इन अ डस्टबिन फॉर द वीक उन्हें देख के कैसा लग रहा था जैसे कि उनको एक वीक के लिए पूरे सेवन डेज के लिए डस्टबिन में छोड़ दिया अब डस्टबिन में कोई कूड़ा जो है अगर सात दिन तक पड़ा रहे तो कैसा दिखता है सो ही ही लुकिंग लाइक दैट एंड टॉकिंग टू मी ऑफ ऑफ द वेरी सम वरीज अ लार्ज बिजनेस वो मुझसे क्या बात करें कि ओ oh, भगवान इतना बड़ा मेरा बिजनेस है कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं कितना ज्यादा वरी करना पड़ता है इट्स सो टायरिंग जबकि उनको देख के क्या लग रहा है दैट ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ बेगर आई ऑलमोस्ट laughed outright. Outright का मतलब क्या होता है Immediately जैसे उन्होंने ये बोला तो मेरे मुंह से हंसी छूट गई कि खुद को देखो और बात करो इधर ही वॉज मैड और प्लेइंग सॉरी जोक ऑन हिज ओन पार्टी मुझे क्या लगा या तो ये आदमी पागल है या तो ये अपनी ही गरीबी का मजाक उड़ा रहा है द in ऑफ बींग पोजिशन सेट आए अब मैंने भी उनको क्या बोला, हाँ हाँ मतलब यू नो हाई पोजिशन में होने के कितने ज्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं इज दैट यू हैव टू वर्क हार्ड एंड हैरी अ ग्रेट डील मतलब उसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और एट द सेम टाइम यू हैव टू वरी अलॉट यू कैन हेल्प द पुअ दैट गिवस अ लॉर ऑफ सेटिसफैक्शन तो नरेटर ने क्या कहा बहुत ही सर्कास्टिक वे में कि यू you नो know, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए उससे काफ़ी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है नाउ ही कुड सी दैट ही वॉज सच अ अड पर्सन खुद के पास पहनने के ढंग के कपड़े नहीं हैं एकदम अनशेवन है एक अनकेम्प्ट है, है और वो क्या बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स के बारे में बात करें तो इसने भी क्या डायलॉग मारा कि हाँ आपको ना गरीबों की मदद करनी चाहिए उससे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है ही लुक डैट मी एंड सेड यू वॉन्ट अंडरस्टैंड उन्होंने मेरी तरफ देखा कहा तुम नहीं समझोगे आफ्टर द मोमेंट साइलेंस ही स्पोक अगेन थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो फिर से क्या कहा उन्होंने नो डाउट इट इज वेरी स्ट्रेंज मुझे मालूम है ये बहुत ही अजीब बात है यू विल नॉट बिलीव मी इवन वेन आई टेल यू मैंने अगर तुम्हें बता दिया उसके बाद भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे। लेकिन मुझे मुझे लगता है तुम्हें बताने से कोई मुझे नुकसान नहीं होगा। And it will be a comfort to tell someone. और मैं चाहता हूं मैं चाहता किसी को मानोगेबल फॉर मी टू टेल big बिग बिजनेस इन हैंड वेरी बिग बिजनेस उसने कहा मेरे पास वाकई एक बहुत बड़ा बिजनेस है बट देर आर प्रॉब्लम्स नाउ लेकिन अब काफी मुश्किलें आ रही इज़ आई मेक डायमंड्स और उन्होंने क्या कहा द थिंग इज कि मैं डायमंडस बनाता हूँ अब जो इंसान डायमंड बना रहा है ऑब्वियसली उसका बिजनेस काफ़ी बड़ा है आई सपोज सजाई यू आर आउट ऑफ वर्क जस्ट एट प्रेजेंट उसने बोला अच्छा अच्छा तुम डायमंडस बनाते हो मुझे लगता है तुम्हारी अभी अब भी जॉब गई है I am tired of people not believing me," he he said with irritation. Then suddenly he unbuttoned his coat and pulled out a little canvas bag. उसने बोला मैं परेशान हो चुका हूँ लोग मुझ पर विश्वास ही नहीं करते बहुत इरीटेट होकर उन्होंने कहा फिर उसने अपने जो कोट था जो एकदम रेज्ड मतलब क्या होता है रेश्ट का मतलब जो एकदम सा हो चुका है जिसकी हालत बहुत खराब है तो जो कोट उन्होंने पहना था उसको उन्होंने अनबटन किया, मतलब उसके बटन खोले, और उसके अपने कोट के अंदर से एक छोटा सा कैनवस बैग निकाला उन्होंने पोटली सा निकाला उन्होंने ओके okay, रेस्ट का मतलब क्या होता है टैटर्ड वन आउट एकदम जो फटा पुराना सा इट अ कॉर्ड अराउंड इट्स नेक मतलब जो एक पोटली थी तो इस तरीके की वो एक पोटली थी जिसमें यहाँ पे कॉर्ड था और ये इसका जो स्ट्रिंग था तो व्हेन ही ओपनड इट एंड टुक आउट अ ब्राउन पेबल और जब उन्होंने उसको ओपन किया उसके अंदर से एक बड़ा सा ब्राउन कलर का स्टोन निकला आई वंडर इफ यू नो इनफ टू नो वॉट इट इज उसने बोला मैं वंडर करता हूं मतलब मुझे नहीं पता कि तुम क्या इनफ जानते हो ये जानने के लिए कि ये क्या है ही हैंडेड इट टू मी और उन्होंने वो मुझे दे दिया आई इ गो इन माई फ्री टाइम इन लंडन आई हैड स्टडीड फॉर अ साइंस डिग्री तो एक साल पहले अब नरेठर अपने बारे में बता रहे हैं कि एक साल पहले लंडन में जब मैं थोड़ा सा कंपेरेटिवली फ्री था तो मैंने एक साइंस के सब्जेक्ट में एक डिग्री ली थी सो so, बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा था सो आई हैड अट नॉलेज अबाउट फिजिक्स एंड मिनरोलॉजी तो मुझे फिजिक्स के बारे में और मिनरल्स की जो स्टडी होती है इसके बारे में काफ़ी नॉलेज था दिस थिंग लुक लाइक एन अनकट डायमंड ऑफ द डार्कर टाइप और ये जो मुझे पेबल दिया था ऐसा लग रहा था ये अनकट डायमंड है और वो भी जो है ना डार्क शेड्स के जो अनकट डायमंड होते हैं वो हैं अनकट डायमंड क्या होता है जब आप नॉर्मली देखते हो कोई भी डायमंड होता है तो वो इट इज़ लाइक कट उसमें आप देखते हो कि कितने कट्स हैं उसमें एंड ऑल अनकट डायमंड आर वेरी एक्सपेंसिव आई सॉ इट वॉज टू बिग एंड शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टाहाइड्रन तो मैंने देखा कि वो काफ़ी बड़ा था मतलब डायमंडार इतना सा डायमंड जो होता है वो थाउजेंड्स में आता है सो इट वॉज अ बिग डायमंड ऑलमोस्ट लाइक अ स्टोन और उसका शेप क्या था रेगुलर ऑक्टाहाइड्रन ऑक्टाहाइड्रन मतलब क्या होता है जिस कोई भी जोमेट्रिक शेप जिसके एट साइज होते हैं सो इट्स लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दिस वॉज द शेप ऑफ द डायमंड आई टुक आउट माई पेन नाइफ एंड ट्राइड टू स्क्रैच इट तो अब उन्होंने क्या किया जो उनके पास एक पेन नाइफ था मतलब जो एक छोटा सा जो नाइफ होता है जो आपके इसमें उन्होंने निकाला उसको स्क्रैच करने की कोशिश की बट वो स्क्रैच नहीं हुआ आई कुड नॉट डू इट आई वेंट अंडर द लाइट एंड ट्राइड इट ऑन माई वॉच ग्लास फिर मैं क्या किया मैंने क्या किया अच्छा ये तो नहीं हो रहा फिर मेरा जो वॉच ग्लास था जब मैंने उसके ऊपर किया तो वो ईजिली स्क्रैच हो गया अब डायमंड की ये एक स्पेसिफिक चीज़ होती है दैट आप उसको स्क्रैच नहीं कर सकते

क्विकली इट बैक इन इस जैकेट उसने वापस जो था उस में रखा उसको अपने जैकेट के अंदर आई विल सेलेक्ट यू फॉर वन हंड्रेड पाउंड अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुमको ये बेच दूंगा डायमंड दे दूंगा ही तो सडनली बहुत धीरे से बोला कि अगर तुम मुझे वन हंड्रेड pounds दोगे ना तो मैं तुम्हें यह बेच दूंगा दिस मेड मी सस्पिशियस अगेन अब इतना बड़ा डायमंड जो थाउजेंड में जिसकी कीमत है वो तुम मुझे हंड्रेड पाउंड में कैसे दोगे आई फील इट कोड जस्ट बी अम्प ऑफ सम हार्ड सब्सटेंस फिर मुझे लगा हो सकता है ये सिर्फ कोई हार्ड सा सबस्टेंस है एंड कॉल्ड कॉरिंडियम कॉरिंडियम क्या होता है कॉरिंडियम एक नेचुरली अकरिंग ट्रांसपरेंट मटीरियल होता है अक्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे आप कॉरिंडियम कहते हो कॉरिंडियम भी डायमंड जैसा ही दिखता है ट ऑल्सो सिंबल मतलब सिमिलर लुकिंग तो वो भी डायमंड की तरह ही चमकता है डायमंड जैसा ही दिखता है तो उसने सोचा कि यार ये मुझे हंड्रेड पाउंड में दे रहा है पक्का यह डायमंड होगा ये कुछ नकली होगा इफ इट वॉज अ डायमंड हाउ डू डिफाइंड इट एंड वाई शुड ही ऑफर इट फॉर हंड्रेड पाउंड अगर वो डायमंड है तो पहली चीज उसको मिली कहाँ से और दूसरी चीज ये सिर्फ मुझे हंड्रेड पाउंड में देने को क्यों तैयार है वी लुकड इन टू वनदर्स आईज हमने एक दूसरे को घूरा He looked honest, और मुझे लगा वो सही बोल रहा है वो honest था At that moment I believed it was a diamond. He was trying to sell. उस moment पर मैंने believe कर लिया वो एक सही का diamond है जो वो बेचने की कोशिश कर रहा है Yet I am a poor man and cannot waste वेस्ट हंड्रेड पाउंड्स लेकिन अब जो हमारा नरेटर है वो एक बहुत ही middle class family से belong करता है उसने बोला यार मैं तो एक गरीब आदमी हूँ मेरे पास सिर्फ एक simple livelihood चलाने के लिए पैसा है मेरे पास हंड्रेड पाउंड्स कहाँ से आएंगे इतनी dim light में, मतलब एकदम रात के टाइम पे जहाँ पे आप क्लियरली देख भी नहीं सकते उस टाइम पे वो भी एक ट्रम्प से ट्रम्प मतलब ऑलमोस्ट तो बेगर बैग, एक भिखारी से वो डायमंड क्यों खरीदेगा

बट आई न्यू हेज आर्टिफिशियल डायमंड मैंने सुन के रखा है मौसान के बारे में जो कि आर्टिफिशियल डायमंड बनाता है लेकिन उसके जो डायमंड होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं यू सीम टू नो समायम्स आई विल टेल यूटल अबाउट माई सेल्फ उसने कहा मुझे अच्छा तुम मॉसन के बारे में जानते हो मतलब तुम्हें डायमंडस का कुछ नॉलेज है मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताता हूँ पर है हो सकता है मेरे बारे में जानने के बाद तुम इसे खरीद लो टर्नड राउंड विद इज बैक टू द रिवर मतलब अभी जब वो इस तरीके से बात करा था तो वो पूरा पलट गया एंड पुट हिज हैंड इन हिस्स पॉकेट और वो इस तरीके से अपने पॉकेट्स में हैंड्स रख के खड़ा हो गया ही साइड आई नो यू विल नॉट बिलीव इट उसने साई किया मतलब ऐसे किया उसने और बोला मुझे पता है तुम तो मेरा विश्वास नहीं करोगे डायमंड

केमिकल मिक्सचर में अगर आप रखते हो और उसपे एक पर्टिकुलर प्रेशर देते हो कार्बन क्रिस्टलाइज आउट तो कार्बन जो होता है जब उस प्रेशर पड़ता है उस मिक्सचर में रखे हुए तो वो कार्बन क्रिस्टल हो जाता है मतलब सॉलिडिफाई हो जाता है नॉट एज ब्लैक लेड और चारकोल पाउडर ये ब्लैक लेड नहीं बनता या चारकोल पाउडर नहीं बनता बट वो एक छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाता है Now I was surprised. अब नरेटर ने जब ये बात सुनी वो एकदम जो है चौकन्ना रह गया He was talking like an educated man. मतलब इस आदमी को वाकई पता है क्योंकि नरेटा ने खुद मिनरोलॉजी के बारे में पढ़ा था तो उसको ये सारी बातें पता थी तो उसको लगा यार ये तो एजुकेटेड मैन है He continued. So much has been known to chemists for years. बट नो वन हैज येट फाउंड आउट हाउ टू हैव द राइट प्रेशर फॉर द बेस्ट रिजल्ट उसने बोला कि बहुत सारे जो केमिस्ट हैं जितने भी जो लोगों केमिस्ट्री टॉप जो सब्जेक्ट होता है जितने भी केमिस्ट हैं उन सबको डायमंड्स के बारे में बहुत कुछ पता है लेकिन आज तक किसी को भी वो एग्जैक्ट प्रेशर नहीं मिला जिसमें डायमंड्स फॉर्म होते हैं दे फॉर द डायमंड मेड बाय केमिस्ट अ स्मॉल एंड डार्क एंड वर्थलेस ए ज्यूल्स तो so, उसने क्या बोला इसलिए जो डायमंड्स जो केमिस्ट जो है वो जो डायमंड्स बनाते हैं जो छोटे छोटे डायमंड्स बनाते हैं वो एकदम बेकार होते हैं उनकी कोई वर्थ नहीं होती डार्क होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं नाउ आई यू नो हैिवन अप माई लाइफ टू दिस प्रॉब्लम गिवन माई लाइफ टू इट अब उसने क्या बोला और मैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस काम में निकाल दी है आई बिगेन टू वर्क एट द कंडीशन ऑफ डायमंड मेकिंग बनावर सेवनटीन जब मैं सिर्फ सत्रह साल का था तब मैंने डायमंडस को कैसे बनाना है इस काम पे अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया अपना जो मतलब अपना सब कुछ जो है मैंने अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस चीज़ पर लगा दिया एंड नाउ आई एम थर्टी टू सेवेंटीन ईयर्स से आज वो थर्टी टू ईयर्स का है एंड ही हैज़ ओनली वर्किंग ऑन वन थिंग कि डायमंड कैसे बनाते हैं वन हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर डायमंड ऐसे ही नहीं बन जाता इंसान को सालों साल मेहनत करनी पड़ती है इफ वन सक्सीड्स द हार्ड वर्क कैन गेट यू मिलियंस मिलियंस अगर तुम सक्सेसफुल रहे अगर तुम इस चीज में सफल हो गए तो तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे ही paused and looked for my sympathy. फिर वो जो था उसने चुप हुआ और मेरी तरफ उसने ऐसे देखा कि मुझ पर थोड़ी दया करो टू थिंक सेड ही दैट आई वॉज अबाउट टू मेक मिलियंस एंड लुक एट मी नाउ तो उसने बोला कि देखो कैसी हालत है मैं मिलियंस कमाने वाला था और आज मेरी हालत देखो आई हैड

आई स्टडीड फॉर the year और टू इन बोलिन बोलिन में मैंने एक दो साल पढ़ाई भी करी थी द ट्रबल वॉज द सीक्रेसी लेकिन प्रॉब्लम मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी मैं किसी की हेल्प नहीं ले सकता था क्योंकि मुझे अपना ये काम सीक्रेट रखना था यू सी इफ what नो वट आई वॉज might माइट profited. उसने बोला कि अगर किसी को पता चलता कि मैं एग्जैक्टली exactly क्या काम कर रहा हूँ हो सकता है वो मेरा फायदा उठा लेते वो लोग ये काम के बारे में सबको बता देते इफ़ आई रियली वॉन्टेड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट पीपल शुड नॉट नो दैट वन कैन मेक डायमंड्स बाई एन आर्टिफिशियल प्रोसेस अगर मुझे वाकई बहुत सारे पैसे कमाने थे तो मुझे ये पूरे प्रोसेस को सीक्रेट रखना था क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि डायमंड्स जो है आर्टिफिशियल प्रोसेस से भी बना सकते हैं तो डायमंड्स की वैल्यू कम हो जाएगी और मेरे काम की वैल्यू कम हो जाएगी एंड दैट्स वॉट आई डो नॉट वॉन्ट सो आई हैड टू वर्क ऑल अलोन इसलिए मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली मैंने कभी किसी को अपने काम के बारे में नहीं बताया मैंने हमेशा अकेले काम किया है एट फर्स्ट आई है लिटल लेबोरेटरी बट एज माई मनी बिगेन टू रन आउट आई हैव टू कंडक्ट माई एक्सपेरिमेंट्स इन अ पुअर अनफर्निश्ड रूम इन कैंटिस टाउन अब उसने क्या बोला इनिशियली मैं अपना पूरा काम एक लेबोरेटरी में करता था जब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे लेकिन जैसे जैसे मेरे पैसे पूरे खर्च होने लग गए तो मैंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स कहाँ करने लगा जो कैंट्स टाउन का एक छोटा सा रूम था जिसमें मैंने अपना पूरा पैरेटस रखा था पैरेटस मतलब मेरे जो जितने भी आ, मतलब जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो मेरे को जितने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जितने भी मुझे औजार चाहिए थे जितने भी मुझे वेसल्स चाहिए थे उन सबको आप अपैरेटस कहते हो वेर आई स्लेप्ट ऑन द स्ट्रॉ मैट्रेस ऑन द फ्लोर अमंग ऑल माई अपारेटस वो रूम इतना छोटा था कि उसमें मेरा जो पूरा सामान था उसी के साथ नीचे बैठ के मैं मतलब जहाँ मेरा सामान रखता था रखा था मैंने वहीं मैं जो है स्ट्रॉ मैट्रेस पे सो जाता था द मनी सिंपली फ्लोड अवे दिन पे दिन बस पैसा खर्च होता जा रहा था आई डिड नॉट स्पेंड ऑन एनी थिंग एक्सेप्ट साइंटिफिक इक्विपमेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट को खरीदने के अलावा मैंने कभी किसी चीज में पैसा खर्च नहीं किया ट्राइक टू अर्न बाई अ लिटिल टीचिंग मैंने सोचा मैं पढ़ा देता हूँ और शायद मैं पैसा कमा लूंगा बट आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर लेकिन मैं कोई बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ एंड आई डोंट है यूनिवर्सिटी डिग्री क्योंकि मैंने पढ़ाई भी प्रॉपर फुल नहीं करी तो मेरे पास एक यूनिवर्सिटी डिग्री भी नहीं है आई डो नॉट हैव मच एजुकेशन एक्सेप्ट इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री के अलावा मेरे पास ऐसी कोई खास एजुकेशन भी नहीं है आई फाउंड आई वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर लिटिल मनी मुझे लगा मैं थोड़े पैसे के लिए अपना बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ बट आई गॉट नियरअर एंड नियरर, नियरर माई गोल मतलब लेकिन हर बार मैं अपने गोल के काफ़ी पास पहुँच जाता था जबकि मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा पूरा मनी जा रहा है मेरी एज जा रही है लेकिन उसके बाद भी मुझे अपना सिर्फ गोल अचीव करना था थ्री ईयर्स अगो आई सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द फ्लक्स तीन साल पहले फाइनली ये जो केमिकल मिक्सचर बनता है इस मिक्सचर को किस तरीके से बनाया जाता है वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई एंड गॉड द नियर द प्रेशर बाय पुटिंग दिस फ्लक्स ऑफ माइंड और मेरे को ऑलमोस्ट प्रेशर भी समझ में आ गया कि कितना प्रेशर लगेगा एंड अ सर्टन कार्बन मिक्सचर इन टू अ क्लोज अप गन बैरल फिलिंग इट अप विद वॉटर सीलिंग इट टाइटली एंड देन हीटिंग इट फिर मैंने क्या किया एंड गॉट नियर द प्रेशर बाय पुटिंग अब मेको ये प्रेशर जो समझ में आया था कि कितना प्रेशर रखना चाहिए वो मेरे को अचीव कैसे किया मैंने आई गॉट द नियर प्रेशर बाई पुटिंग दिस फ्लक्स ये जो फ्लक्स था इसको मैंने एक कार्बन मिक्सचर के अंदर डाल के कहाँ पर क्लोज किया एक गन बैरल में गन बैरल क्या होता है द मेटल ट्यूब ऑफ अ गन सू विश द शॉर्ट एस्ट डिस्चार्ज तो जो गन का ये जो ऐसे अगर आपकी मान लो ये गन है ठीक है तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको आप बोलते हो गन बैरल तो इसके अंदर मैंने उसको स्टोर कर दिया एंड देन हीटिंग इट फिर मैं उसको हीट करने लगा फिर वो चुप हो गया ही पॉज यस इट बर्स्ट एंड स्मैश्ड ऑल माय विंडोज एंड अ लॉट ऑफ माय पार्ट ऑब्वियसली जो काम मैंने किया था उसके बाद वो भड़ाम से एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ मेरा पूरा पैलेटस टूट गया खिड़की के जो पूरे कांच थे वो पूरे फूट गए देन आई केम अक्रॉस द वर्क ऑफ जॉबरी ही एक्सप्लोडेड डायनामाइट इन अ टाइटली स्क्रूड स्टील सिलेंडर टू स्ट्रॉन्ग टू बर्स्ट एंड फाउंड दैट ही कुड क्रश रॉक्स इन टू मक द काइंड ऑफ मक फाउंड इन साउथ अफ्रीका वेअर डायमंड अब क्या हुआ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉब्रे और इनकी मैंने जो साइंटिफिक स्टडी थी उसको उस पर रिसर्च किया उसमें उन्होंने क्या बोला था जब आप एक डायनामाइट को एक्सप्लोड करते हो एक एकदम बंद टाइटली स्क्रूड स्टील सिलेंडर के अंदर अगर आप एक डायनामाइट को बर्स्ट करते हो तो उसके अंदर जितने भी पत्थर उन्होंने रखे थे वो सब पत्थर जो है वो मक में पूरे कन्वर्ट हो गए मक मतलब एकदम जो है वो आ, क्या बोलते हैं उसका बूदा बन गया पूरे जो पत्थर थे वो एकदम चकनाचूर हो गए एकदम मक बन गया वो सेम मक जो साउथ अफ्रीका में फाइंड किया जाता है जहां इट कॉस्ट मी बट आई गॉट सिलेंडर मेड फॉर माई यूज मुझे बहुत पैसे लगे मेरे पास जितना पैसा था मैंने सब दे दिया लेकिन मुझे एक स्टील सिलेंडर मिल गया इट वॉज मेड ऑन द सेम डिजाइन वो एक्जैक्टली exactly डॉबरी का जैसा डिजाइन था ना वो सेम डिजाइन था आई पुट इन ऑल माई स्टफ एंड माई एक्सप्लोजिव तो मैंने अपना पूरा स्टफ उसके अंदर रखा कार्बन मिक्सचर उसके अंदर रखा और एक्सप्लोजिव भी रख दिए अ फायर इन माय फर्नेस एंड वेंट आउट फॉर अ वॉक मैंने जो है उसमें आग लगा दी टाइम टाइम बम बना दिया मैंने उसको और फिर मैं अपने घर से एक वॉक करने के लिए निकल गया आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग डिड यू नॉट थिंक इट वुड ब्लो अप द हाउस

बिल्कुल थॉटलेस था वो मतलब मैंने उस पर बिल्कुल भी केयरलेसली मैंने वो काम किया था लेकिन इट वॉज डन इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस लेकिन वो साइंस के लिए किया गया था और मैक्सिमम साइंटिस्ट जब काम करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम साइंस के लिए कर रहे हैं there was a costumonger family on the floors below अब कॉस्टमोंगर का मतलब क्या होता है अ पर्सन हु सेल्स फ्रूट और वेजिटेबल्स फ्रॉम अ कार्ट और स्ट्रीट स्टैंड अब वो बहुत गरीब था तो कोई लक्जरी जगह पे तो रहेगा नहीं तो वहाँ पे सब्जियों वाला एक था जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचता था एक उसकी फैमिली रहती थी हमारे उसके जो जहाँ पे डायमंड मेकर था उसके फ्लोर के नीचे प्लस अ बेगिंग लेटर राइटर इन द रूम बिहाइंड मी एक जो मेरे रूम के जो पीछे वाला रूम था वहां पे एक बेगिंग लेटर राइटर रहता था एंड टू फ्लावर अपस्टेयर्स और दो फूल बेचने वाली औरतें जो है मेरे से, मेरे घर के ऊपर रहा करती थी बट पर मुझे लगता उस वक्त कुछ लोग जो थे वो घर से बाहर थे जब मैं वहां से वापस आया तो वो जो चीज थी वो एग्जैक्टली exactly वहीं रखी थी जहाँ वो पहले रखी थी अमंग द वाइट हॉट कोल्स और जो कोल्स थे जो व्हाइट हॉट कोल्स थे वहीं पे रखी हुई थी द एक्सप्लोजिव है उसने केस को बर्स्ट नहीं किया था एंड देन आई हैड प्रॉब्लम टू फेस उसके बाद मेरे पास एक प्रॉब्लम आई क्या आई यू नो टाइम इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन क्रिस्टलाइजेशन तुम्हें ये पता होगा क्योंकि तुम्हें मिनरोलॉजी के बारे में पता है तो चीजों को क्रिस्टलाइज होने में सॉलिडिफाई होने में टाइम लगता है इफ यू हरी द प्रोसेस द क्रिस्टल्स आर स्मॉल अगर तुम जो हो एकदम फटाफट उस तुमने उसको ओपन कर लिया और तुमने उसको प्रॉपरली सॉलिडिफाई होने नहीं दिया तो क्रिस्टल्स जो बनेंगे तुम्हारे वो छोटे छोटे बनेंगे इट इज ओनली बाई कंटिन्यूस स्टैंडिंग दैट दे ग्रो टू एनी साइज अगर आप उनको कंटिन्यूसली उसी प्रेशर में रखोगे तभी वो बड़े बनते हैं वरना क्या होगा वो आपस में छोट छोटे छोटे टूट जाएंगे और या तो पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे और या तो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन के निकलेंगे I resolved to let this apparatus cool for two years, letting the temperature go down slowly during the time. तो मैंने क्या decide किया कि मैं अब इस apparatus को दो साल बाद खोलूँगा मतलब जो ये पूरा जो steel cylinder था जिसमें उसने explosive blast किए थे अब वो उसको कब खोलेगा दो साल बाद और उस तक मैं तब तक मैं जो है temperature अपने आप कम होगा और ये जो temperature कम होगा उस temperature में ही मेरा crystallization perfectly होगा एंड बाई देव मनी लेकिन अब दो साल और वेट करना था मेरे पास पैसे नहीं थे नथिंग टू सपोर्ट माई सेल्फ अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं था आई कैन हार्डली टेल यू ऑल द हार्डशिप्स आई फेस्ड वाई आई वॉज मेकिंग द डायमंड्स मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता इन डायमंड को बनाते टाइम में मैंने लाइफ में कितनी ज़्यादा मेजरेबल सिचुएशन को फेस किया है आई हैव सोल्ड न्यूज पेपर्स केयर्ड फॉर हॉर्सेज ओपन कैबडोर्स मैंने जो है न्यूज़ पेपर्स बेचे हैं हॉर्सेज का ख्याल रखा है इवन लोगों की कैब खोलने का भी काम किया है वंस फॉर अ वीक आई हैड नो जॉब एंड आई बैग्ड इवन एक बार ऐसा हुआ था पूरे एक वीक के लिए जब मेरे पास जॉब नहीं था और मुझे भीख भी मांगनी पड़ी थी वन डे आई हैड ईट एन नथिंग ओल डे एंड लिटिल चैप गेव मी सिक्सपेंस एक दिन मैंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था मेरे पास पैसे नहीं थे मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया और एक छोटा बच्चा था जिसने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करने के लिए मुझे सिक्स पेंस दे दिए और मैंने क्या किया बट आई स्पेंटेड ऑल ऑन कोल्स एंड हैड द फर्नस ब्राइट वेट अगेन लेकिन मैंने वो पूरे सिक्सपेंस इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड ईटिंग समथिंग अपना ख्याल रखने की जगह कुछ खाने की जगह मैंने क्या किया उससे कोल खरीदा और वो जो फर्नस था उसको आई केप्ट इट बर्निंग सो दैट जो मेरा प्रोसेस है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है फिनिश हो एट लास्ट थ्री वीक्स अगो आई लेट द फायर आउट फाइनली थ्री वीक्स पहले मैंने वो फायर को बुझा दिया I took my cylinder and opened it while it was still so hot. मैंने अपना सिलेंडर लिया और उसको ओपन किया अभी भी वो काफी गर्म था I put my hands into it and I scraped out the crumbling lava like mass with a chisel and hammered it into a powder upon an iron plate. मैंने क्या किया आई पुट माई हैंड्स एंड टू इट वो जो एकदम हॉट लावा मतलब हॉट जो सिलेंडर था उसमें मैंने अपना हाथ डाला एंड आई स्क्रेब आउट द क्रम्बलिंग लावा लाइक मास तो वहाँ पर जो एक क्रम्बलिंग लावा लाइक मास था मतलब जो पूरा ऐसा जो था आपस में एकदम पत्थर जैसा एक मांस जो था उसको लिया और एक चिसल चिसल क्या होता है जब आप किसी चीज़ को शार्प कर रहे हो या किसी भी चीज़ को कार्व कर रहे हो तो एक जो है इस तरीका एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसको आप रख के तोड़ते हो कोई भी चीज़ को उसको एंड हैमर्ड इट इनटू अ पाउडर अपॉन एन आयरन प्लेट उसको मैंने लिया और एक पाउडर के ऊपर आयरन प्लेट रखी उस पर पाउडर डाला और उसको मैं मारने लगा एंड आई फाउंड थ्री बिग डायमंड्स एंड फाइव स्मॉल वंस और मैंने फाइनली मेरी जो पूरी मेहनत की उससे मुझे थ्री बिग डायमंड्स एंड फाइव स्मॉल डायमंड्स मिले मतलब आई वॉज़ अ मिलियन आयर एट दैट टाइम एज आई सेट ऑन द फ्लोर हैमरिंग अब जब मैं फ्लोर पे बैठ के हेमरिंग कर रहा था मतलब मैं उसको डायमंड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा था माई डोर ओपन सडनली मेरा दरवाज़ा खुला एंड माई नेबर द बैगिंग लेटर राइटर के मिन और जो मेरा जो नेबर था जो वो एकदम बैगिंग लेटर राइटर था जिसके पास कोई काम नहीं था वो अंदर आया ही कॉल मी एनार्टिस्ट उसने मुझे एक इनार्किस्ट बोला इनार्किस्ट वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं उन्हें फॉलो नहीं करते वो उनके अगेंस्ट चले जाते हैं और वो कुछ ऐसी चीज करते हैं जिससे डिस्ट्रक्शन होता है वो जो है जासूसी करा था मतलब क्या होता है सीक्रेटली लुकिंग वो जो है मेरे रूम में जासूसी कर रहा था एंड गॉन टू दुलिस दैट मॉर्निंग और उसी सुबह वो पुलिस के पास चला गया था देन आई सडनली रियलाइज देट आई वॉज इन ट्रबल अब मुझे समझ में आ गया अब मैं ट्रबल में हूँ आई था आई वुड हैव टू टल द पुलिस माई लिटिल सीक्रेट एंड बी पनिश फॉर बींग नार्किस्ट मुझे लगा मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली exactly मैं क्या कर रहा था मेरे लिटिल सीक्रेट के बारे में बताना पड़ेगा वो मुझे अनार्किस्ट बोलेंगे सो आई गैदर अप माई डायमंड्स एंड लेफ्ट होम तो मैंने अपने सारे डायमंड्स लिए और मैंने घर छोड़ दिया If I go into respectable jewelers, they ask me to wait and whisper to a clerk to fetch a policeman. अब मैं जो हूँ जैसा मैं दिख रहा हूँ तो obviously I don't look rich. मेरे पास इतना बड़ा diamond है जो normally they people don't find. तो जब मैं किसी jeweler के पास जाता हूँ इसको बेचने के लिए तो वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है आप wait करो थोड़ा सा उतनी देर में वो बोलते हैं जब पुलिस को बुला के लाओ ये जरूर पक्का कोई चोर है एंड आई फाउंड बाईज गुड्स फिर मुझे एक आदमी के बारे में पता चला जो चोरी का माल खरीदता है एंड ही सिम्पली कैप द वन आई गेव हिम एंड टोल मी टू गेट द पुलिस इफ़ हीट दुलिस इफ आई वॉन्टेड इट बैक तो उसने क्या किया जब मैंने उसको एक डायमंड बेचने के लिए डायमंड दिया तो उसने रख लिया वो डायमंड फिर क्या बोला अगर ये डायमंड वापस चाहिए तो मतलब उसने देने से मना कर दिया बोला अच्छा तुम्हें तो अगर वापस वाकई में डायमंड चाहिए जाओ पुलिस को बुलाओ उसे पता था मैं पुलिस के पास नहीं जाऊँगा अब मेरा वो डायमंड बिना मतलब के चला गया I am going about now with several hundred thousand pounds worth of diamonds round my neck. उसने क्या बोला अब जो हूँ मैं चल जब रहा हूँ मेरे पास हंड्रेड थाउजेंड पाउंड के डॉलर डायमंड्स हैं जो कि मेरे गले के आसपास क्योंकि उसने कोर्ट में रखे हुए थे तो बोले जो मेरे नेक पे लटके हैं लेकिन मेरे पास ना खाने को खाना है और ना मेरे पास रहने के लिए घर है यू आर द फर्स्ट पर्सन आई पहले इंसान हो जिसको मैंने अपने पूरे सीक्रेट के बारे में बताया है बट आई लाइक योर फेस एंड आई एम नीड मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छा लगा मतलब मुझे तुम सही आदमी लगे और मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है ही आइज उसने मेरी आँखों में देखा अब नरेटर ने क्या कहा इट वुड बी मैडनेस ये पागलपन होगा फॉर मी टू बाई अ डायमंड अंडर ऐसी सिचुएशन में डायमंड खरीदना पागलपन होगा मोर ओवर आई डो नॉट कैरी हंड्रेड्स ऑफ पाउंड अबाउट इन माई पॉकेट और सबसे बड़ी बात मैं अपनी जेब में हंड्रेड्स ऑफ पाउंड लेके थोड़ी ना घूमता हूँ मेरे पास नहीं है इतना पैसा येट आई बिलीव योर स्टोरी लेकिन मैं मुझे तुम पे पूरा विश्वास है इफ़ यू लाइक कम टू माई ऑफिस टुमोरो आई विल बाई अगर तुम चाहते हो तो तुम कल मेरे ऑफिस आ जाओ मैं कल तुमसे खरीद लूंगा यू थिंक आई एम अ थी विल टेल द पुलिस आई वोंट फॉलो इन टू दैट ट्रैप तुम्हें लगता है मैं चोर हूँ मुझे पता है कल तुम जो बोल रहे हो कि मेरे ऑफिस आना तुम पक्का पुलिस को बुला लोगे लेकिन मैं नहीं फंसने वाला इसमें आई एम श्योर यू आर नो थीफ हियर इज माई कार्ड कम वेन यू विल उसने बोला मैं मैं जानता तुम चोर नहीं हो ने क्या कहा बिल्कुल मान कि तुमने चोरी नहीं करी है तुमने डायमंड खुद बनाया है मन हो तुम आ जाना He took the card and an of my तो उसने वो कार्ड लिया और उसने अश्योर किया मतलब मैंने उसे किया, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा थिंक बेटर ऑफ इट इन कम और मैंने क्या कहा सोच के पक्का आना मुझसे मिलने के लिए ही शुग हि हेड हेजिटेंटली उसने मैंने हाँ ठीक है हेजिटेट करते हुए बहुत ही मतलब नानुकुल करते हुए उसने हाँ बोला एनी हाउ यू विल कीप द सीक्रेट डोंट फॉलो मी उसने बोला मुझे पता है तुम सीक्रेट ही रखो कि इस बात को और मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है ही क्रॉस द रोड एंड वेंट इन टू द डार्कनेस और वो उसने रोड क्रॉस किया और वो अंधेरे में गायब हो गया आई हैव नेवर सीन हिम अगेन और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा afterwards had two letters from him asking me to send bank notes not checks to certain addresses fir mere paas do letters aaye jisme likha tha ki tum jo ho mujhe is is address pe jo hai check bhejo bank sorry bank notes bhejna check mat bhejna I did nothing, लेकिन मैंने नहीं दिया मैं बिना मिले एक ही बार किसी से मिला हूं मैं उसको क्यों hundreds of pounds दे दूंगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया वंस ही केम होम when आई was आउट एक दिन मैं घर से बाहर था तब वो घर भी आया था My सर्वेंट described हिम as अ वेरी थिन डर्टी एंड ragged मैन मेरे सर्टन मेरे जो सर्वेंट था उसने उसको कैसे डिस्क्राइब किया कि अरे कोई आपसे मिलने आया था एकदम फटे पुराने कपड़े पहने थे बहुत ज़्यादा दुबला था और बहुत ज़्यादा डर्ट दिख रहा था विद अ टेरेबल कफ उसको बहुत ज़्यादा कफ भी हो रहा था मतलब वो सिर्फ खांसे जा रहा था ही लेफ्ट नो मैसेज लेकिन उसने कोई मैसेज नहीं दिया आपके लिए सम टाइम्स आई फील आई हैव मिस द मोस्ट ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ कभी कभी मुझे लगता है हो सकता है मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपर्चुनिटी मिस कर दी ही मे हैव डाइड एंड हेज डायमंडस केयरलेसली सोन असाइड हो सकता है वो मर गया हुआ उसके जो डायमेंड्स हों पता नहीं वो कहाँ पड़े होंगे समटाइम्स थिंक आई शुड हैव रिस्क अ फ्यू हंड्रेड पाउंडस कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ हंड्रेड पाउंड्स का रिस्क ले लेना ले लेना चाहिए था हो सकता है मेरी लाइफ चेंज हो जाती हो सकता है उसकी लाइफ चेंज हो जाती एंड दैट वॉज इट दैट वॉज आर चैप्टर द डायमंड मेकर आपको क्या लगता है जो डायमंड मेकर था उसने अपनी पूरी लाइफ अपना सब कुछ उसने इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द लाइफ बींग विद द फैमिली टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ उसने पूरी लाइफ जो थी सिर्फ डायमंड बनाने में निकाल दी क्या हुआ होगा उसका क्या उसे ये करना चाहिए था यू आर गोइंग टू राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड टेल मी वॉट डू यू थिंक अबाउट इट बिकॉज इन आर नेक्स्ट